सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों को कांग्रेस नेता ने मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी के बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ कोटद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल यूपी सीएम के भाई शैलेश बिष्ट ने फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली गलौज करने और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के एक ऑडियो के साथ ही कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शैलेश बिष्ट ने इस मामले में पुलिस कोतवाली कोटद्वार में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी के भाई शैलेश बिष्ट की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचूर और वर्तमान में कोटद्वार निवासी शैलेश बिष्ट ने इस मामले में बीती 11 जुलाई को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। शैलेश बिष्ट के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरुवाण ने उनके परिवार के खिलाफ 16 जून को फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की थी। उसका विरोध करते हुए उन्होंने जब आरोपी कांग्रेस के नेता को फोन किया और पोस्ट हटाने के लिए कहा तो उसने फोन पर ही उन्हें गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, साथ ही धमकी दी। घटना के 25 दिन बाद आरोपी ने उन्हें दोबारा फोन करके उनके परिवार वालों को फिर से गाली दी थी। आरोप है कि इतना सब होने के बाद भी जब आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस दौरान आरोपी ने उन्हें खूब धमकाया और कहा जो करना हो कर लेना। शैलेश बिष्ट ने यह भी बताया है कि आरोपी नीलकंठ इलाके में पहले भी कई बार दबंगई कर चुका है, उस प्रकार की वो हरकतें अक्सर करता रहता है। शैलेश बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पास आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक शैलेश बिष्ट की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।